बाबा कहते हैं कि बाप दादा किसी का भी पार्ट बोर्ड पे लिख के नहीं बता देंगे, तो जैसे बाबा स्टूडेंटों के लिए कहते हैं तो कि हम कैसे चेक करें कि हम उनमें आर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो किसी का पार्ट आठ देवों में से किसी का खोला है, बाबा ने नाम लिया, तो यही कह रहे कि चेक क्या, हम कैसे चेक करें किसका पार्ट आठ में होगा। बाप को पहचाना, कैसे पहचाना, नाम बताया क्या, बाप का नाम बताया है, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य मुरली में इशारा दिया है देवताओं को, या डायरेक्ट बैठ करके नाम रूप गुण कर्तव्य बताया है, इशारा दिया। ऐसे हरेक आत्मा का इशारा वेद वाणी में भरा हुआ है, मनन चिंतन मंथन के द्वारा एक एक आत्मा का डिटेल निकाला जा सकता है। अगर एक का निकल सकता है तो एक से कनेक्टेड 84 जन्म की जो आत्मा होगी उसका नहीं निकल सकता, निकल सकता है कि नहीं, निकल सकता है। फिर जब दो का निकल सकता है तो दो से कनेक्टेड और जो बच्चे हैं जो विशेष रूप से 84 जन्मों में कनेक्टेड हैं उनका नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। तो ऐसे करते 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 हरेक परिवार का, हरेक ग्रुप का, हरेक वंश का पूरा सिजरा निकाला जा सकता है और निकलेगा। बाकी बाप दादा एक एक का नाम या रूप बोर्ड पर खींच कर नहीं बतावेंगे, स्वतः ही हर बच्चे की बुद्धि में अक्ष होता जाएगा। एक और निशानी बताई, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, क्या नारायण भी उतर आए, भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा भी उतर आए, तो ब्रह्मा की नारायण की भगवान की बात नहीं मानेगा, किसकी मानेगा, उसी की बात मानेगा जिस धर्म का होगा, तो पार्ट साबित नहीं होगा, प्रजा वर्ग वालों का भी पार्ट साबित हो जाएगा। प्रजा वर्ग की ये खासियत होगी कि अपने राजा के प्रति पूरा समर्पणमय बुद्धि होंगे, औरों की बात कोई कितना भी बड़ा राजा हो दुनिया का, सम्राट ही क्यों ना हो, उसकी बात नहीं मानेंगे। और देखने में भी आ रहा है, आप कितना भी सच्चाई से सच्चा ज्ञान सुनाओ वो कहेंगे भी आपका ज्ञान सच्चा है, पक्का है, लेकिन हम अभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई, कहेंगे जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक नहीं, जब तक कुमार का दादी नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। इससे क्या साबित होता है, क्या बाप बेट बता देंगे, नहीं साबित हो रहा है जो उस धर्म के प्रजा है। हाँ जी महाराज रास का बिगड़ा हुआ रूप है ये रास, रहस्य का, क्या रहस्य का बिगड़ा हुआ शब्द बन गया रास है, रहस्य ये रहस्य है। सबके संस्कार मिलकर के एक कैसे हो गए, जो सतयुग में कोई किसी से नहीं टकराएगा, ये संस्कार कहां भरे गए, संगम युगों में भरे गए। हरेक मन बुद्धि रूपी आत्मा की उस संगठन में ऐसी प्रवृत्ति पक्की हो जाएगी, पारिवारिक प्रवृत्ति, कि एक दूसरे से कोई का संकल्प टकराएगा ही नहीं,
एक का बुद्ध रूपी हाथ दूसरे के बुद्ध रूपी हाथ से मिला हुआ होगा, टकराने वाला नहीं होगा। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ेगा? अभी संगम युग पर पड़ेगा। अभी तो टकरा रहे हैं, घर घर में टकरा रहे हैं या कहीं कहीं टकराए रहे हैं? घर घर में टकराए रहे, बेसिक वालों में टकराए रहे हैं या दुनिया में ही टकराए रहे? बेसिक में भी टकरा, एडवांस में नहीं टकराए रहे, एडवांस में भी टकराए रहे हैं, घर घर में टकराए रहे हैं, हर परिवार में टकराहट हो रही है, हर मिनी मधुबन में भी टकराहट हो रही है। तो ये टकराहट अतीक हो जाएगी, ये रिहर्सल हो रही है, अति होगी फिर अंत हो जाएगा। अगर आती नहीं होगी तो नश्चो मोहा स्मृति लब्धा भी नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि लौकिक दुनिया की लोहे की जंजीरों से तो मुक्त हो जाते हैं, फिर ब्राह्मण परिवार की सोने की जंजीरों में बंध जाते हैं, वो टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझते हैं इनका हमारे साथ अनेक जन्मों का कनेक्शन है। तो ये सब अति में जावेगा और देखने में भी आता है, टकराहट बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? और ही बढ़ती जा रही है। जो माउंट आबू जैसे तलहटी है वहाँ कलयुगी दुनिया की शूटिंग, और जहाँ ओम शांति भवन है वहाँ द्वापर युग की शूटिंग, और जो दिलवाड़ा मंदिर है वहाँ त्रेता युग की शूटिंग, जहाँ अटल घर है वहाँ कलयुगी दुनिया की शूटिंग होता है। कहते ही चले जाएंगे या कोई प्रूफ भी निकालेंगे? है अनुमान से नुकसान होता है, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात फिक्स नहीं कर लेनी चाहिए। कोई बात दिमाग में फिक्स करें या दूसरों को सुनाएं या अपने अंदर पक्की करें तो उसका प्रूफ और प्रमाण देखना चाहिए। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या है? बिना प्रूफ और प्रमाण के बाबा के बच्चे तो मानने वाले नहीं, दुनिया भी मानेगी नहीं। और तो बाबा के कोई भाई कैसे बता रहा था, दूसरे भाइयों की बात हम क्यों सुने? सुना नहीं, मैंने क्लियर किया। क्लियर कहाँ हुआ? ये कहने से थोड़ी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दूसरा भाई बताता है, विष्णु पार्टी वाला या कोई भी पार्टी वाला, हम औरों की तो दुनिया वालों की बात सुनने वाले नहीं। हाँ, कोई अगर ऐसी बात बताते हैं तो उनसे प्रूफ और प्रमाण पहले पूछना चाहिए। बाप ने क्या कहा है इस संबंध में मुरली में, वो पूछना चाहिए। और है हाँ जी, हाँ लेकिन झूठ बोलते हैं। हाँ है, यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ सच्ची गीता किसको समझते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में हम जो गीता समझते हैं वो कौन है? सच्ची गीता किसे समझ रखा है? अरे यही गड़बड़ हो गया। यहाँ तो पता होना चाहिए कि हमारी सच्ची गीता कौन सी है, हैं? भारत माता सच्ची गीता है। तो भारत माता जो सच्ची गीता है वो सच्ची गीता अभी स्टेज पर लाए हैं? तो कौन सी स्टेज पर लाए हैं? जो स्टेज पर आ चुकी है वो झूठी गीता स्टेज पर आई है या सच्ची गीता स्टेज पर आई है? झूठी गीता स्टेज पर आई है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी झूठी गीता का बोलबाला है, सच्ची गीता का बोलबाला नहीं है, और अंत तक झूठी गीता का बोलबाला रहेगा। अंत में जाकर के डूबी जा होगी। और सच्ची गीता पति भगवान
प्रत्यक्ष हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। सबसे बड़ा अच्छा ठीक है, जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं द्वापर और कलयुग में, वो तो बाप को मानती ही नहीं साकार में, मानती है? जब मानती ही नहीं है तो सत्युग त्रेता में आवेंगी क्या? वो तो सत्युग त्रेता में ही नहीं आवेंगी। हाँ, वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो साकार को मानते हैं, वो भी लास्ट में मानते हैं या पहले मानते हैं? लास्ट में मानेंगे। तो जब लास्ट में मानेंगे तो जब तक नहीं मानेंगे तब तक सदगुरु निंदक ठौर ना पावे की स्टेज में रहेंगे या ऊंची स्टेज में रहेंगे, तो वो दास दासी बनते रहेंगे। बाबा द्वापर और कलयुग में किसको? नहीं, बाप को जन्म कहाँ देना पड़ता, बाप से तो वो बहुत दूर है। जैसे बौद्ध धर्म का आधार मूर्त है सिद्धार्थ, उस सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध प्रवेश होते हैं, तो सिद्धार्थ जिसमें महात्मा बुद्ध प्रवेश होते हैं वो तो नारायण बनने वाली आत्मा है सतयुग की, और फर्स्ट नारायण से बहुत दूर है। कितने जन्म का अंतर है? फर्स्ट नारायण होगा वो संगम युग में होगा, सतयुग का पहला नारायण एक गद्दी का अंतर, फिर सतयुग का दूसरा नारायण दूसरी गद्दी का अंतर इस्लाम धर्म का, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा, तो दो गद्दियों का अंतर हो जाएगा। उसके बाद वो आधार मूर्त बनेगा, आधार में ज्यादा ताकत होती है या आधार में जो बीज बोने वाला होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? तो सिद्धार्थ को भी जन्म देने वाला कौन हुआ? बाप, बीज, शुद्धोधन। और शुद्धोधन को भी जन्म देने वाला कौन हुआ? बिंदुसार। तो कहाँ प्रजापिता और कहाँ वो धर्मपिता, बहुत अंतर है। इतना अंतर होने के बावजूद भी जब बौद्ध धर्म का फाउंडेशन पड़ेगा राजा ही का, तो वो प्रजापिता सबसे आगे होगा, क्योंकि राजा ही लेने के संस्कार जितने प्रजापिता वाली आत्मा भरती है, राजयोग सीख करके राजाई लेने का जो मादा है जितना प्रजापिता में आता है उतना और किसी में नहीं आता है। अक्ष कहते हैं आंख को और रुद्र कहते हैं भयानक रूप को, रौद्र रूप धारण किया, भयंकर रूप धारण किया। एक आंख होती है प्यार भरी आंख और एक होती है भयंकर आंख, तो उसे कहते हैं रौद्र। वो रुद्राक्ष का मणका कहा जाता है और वो अनेक प्रकार के मणके होते हैं। वो रुद्राक्ष के मणके भारत में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में पाए जाते हैं।
नई दुनिया का पालना करने वालों का जो संगठन बना है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ऐसी ऊंची स्टेज वाला संगठन है जिस ऊंची स्टेज पर विदेशियों ने आक्रमण करके कभी जीत नहीं पाई। वहां रुद्राक्ष के मण के पैदा होते हैं। क्या वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले असुर जिन्होंने ढेर सारे वरदान लिए हैं ब्रह्मा से, वो ऐसे रुद्रगणों के ऊपर जीत पावेंगे क्या? है जीत पाते हैं? नहीं पा सकते। बिगड़ते हैं तो उनकी आंखें ही भयंकर काम करती हैं। और स्थापना करते हैं तो स्थापना के कार्य में भी वो प्रजापिता के स्पेशल सहयोगी बनते हैं। और हाँ जी बिहार में देखो उसको ज्योति में खड़ा है ना, हाँ खड़ा हुआ तो ब्रह्मा बाबा को दिखाया, हाँ बैठा हुआ दिखाई दिखाया है, बैठा हुआ दिखाया, हाँ जो बैठा हुआ है वो नीचे बैठा हुआ है झाड़ के नीचे, झाड़ के नीचे जो बैठा हुआ है वो रूप तो ब्रह्मा का दिखाया है, क्योंकि उस समय प्रजापिता तो मौजूद नहीं था। तो षष्ठी वृक्ष का पिता समझे या माता समझे उसे? पिता समझे तो पिता कौन हुआ? दादा लेखराज नहीं, उसको भी हम समझे कि वो प्रजापिता ही है, इसलिए बोला बैठा है और वो ही जाकर के अंत में खड़ा है। और ये खाना आना बनाने के लिए आज की दुनिया में नौकर चाकर रखे जाते हैं या नहीं? बड़े परिवारों में है? रखे जाते हैं। और आप सतयुग में जाकर के दुनिया के हिसाब से बड़े परिवार वाले बनेंगे या छोटे परिवार वाले बनेंगे? है बड़े परिवार वाले बनेंगे। तो आपको नौकर चाकर चाहिए या नहीं चाहिए? है कि आपके बाल बच्चे खाना बनाए वो आपको अच्छा लगेगा? है आपके बाल बच्चे खाना बनाए ये अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए ये नियम बना हुआ है कि ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ पुरुषार्थ करते समय जो सबसे जास्ती विघ्न बाधक बनते हैं वो तुम्हारे दास दासी बनेंगे। सबसे जास्ती विघ्न बाधक कौन बनती है? माया बेटी और प्रकृति। इस प्रकृति को कहा जाता है प्रकृतिपति भगवान। भगवान उसे प्रकृति का पति है, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला है। प्रकृति उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, परंतु फिर भी वो बाप के बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। कैसे करती है कंट्रोल? अकेले कंट्रोल नहीं कर पाती है तो माया उसका सहयोग देती है और दोनों मिलकर के बाप के बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहां कंट्रोल कर लेती है प्रकृति भी और माया बेटी भी। श्रीमत के बरखिलाफ चल करके कंट्रोल करती है या श्रीमत के अनुकूल चल करके कंट्रोल करती है? है? श्रीमत के बरखिलाफ चल करके कंट्रोल करती है तो भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? भाग्य बिगड़ जाता है। इसलिए रावण के चित्र में प्रकृति के जो पांच मुख हैं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनको मंदोदरी का रूप दिया है। कैसा उदर है? मंद बुद्धि रूपी पेट है, इतना मंद है
कि भगवान का एक बार बन करके भी बाप को पहचान नहीं पाती और विरोधी बन जाती है माया के चंबे में आकर, तो दास दासी बनती है। माया भी दास दासी बनेगी। कृष्ण बच्चा जब सतयुग में पैदा होगा तो जो फर्स्ट क्लास माया होगी, बेटी होगी, वो उसको उठा लेगी। और हाँ फर्स्ट क्लास माया कौन है? फर्स्ट क्लास माया जो शरीर से छोड़ गई वो आधार मूर्त है या बीज रूप है? वो ज्यादा पावरफुल होती है या उसका भी कोई बाप होता है? कौन? जो बीज है तो बाप है। और तो बाबा तो बीज उसका होगा तो खा लेगा। और क्या, जो सृष्टि के आदि में होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, बाद में आएगा तो कम पावरफुल होगा। वो एक ही बात सुनती है बाप की, और वो ऐसी बात सुनती है जिसके आधार पर वो सब को कंट्रोल कर सके। और बाप की एक ही डायरेक्शन माया को खास है कि जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। इसमें वो अपना फायदा देखती है, इसमें हमारा फायदा बहुत बनता है। हमारा भाग्य बनेगा तो सिर्फ इसी पॉइंट से बनेगा। और है साधु सन्यासी, हाँ जो अभी जो साधु सन्यासी हैं, जो सतयुग आने वाला सवेरा है, सतयुग आने वाला कि नहीं, सतयुग रूपी सवेरा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जिस समय आएगा उस समय वो ज्ञान धन की भीख आपसे मांगेंगे आके या नहीं मांगेंगे? अभी मांग रहे हैं है? अभी तो नहीं मांग रहे, अभी अंधेरा है। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी, ज्ञान सूर्य प्रकट होने लगेगा, तो उस समय आपके दरवाजे पर आएंगे, कहेंगे हमको भी थोड़ा दे दो, तो देंगे कि नहीं देंगे? भरपूर हो रहे हैं। हाँ जी। और कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है या फिर हत्या हो जाता है उसका, फिर भी कोई भी भटकती है, अब जो कारगिल लड़ाई हुआ है उसमें सारे लोग मारे जाते हैं, उन्हीं आत्मा का लक्ष्य देखा जाता है। मरने के समय हर आत्मा के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है कि नहीं? जो लड़ाई में लड़ते लड़ते मारा जाता है उसका लक्ष्य क्या है? अपने देश की सुरक्षा करना, अपनी भारत माता की सुरक्षा करना, अपने भारत देश की रक्षा करना। तो ये खराब लक्ष्य है या अच्छा लक्ष्य है? अच्छा लक्ष्य लेकर के अगर कोई प्राण भी दे देता है अपना, तो उसे आत्महत्या कहेंगे नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका लक्ष्य बदल गया। और जो आत्माएं हैं वो स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ देती है, अल्पकाल के स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई और शरीर छोड़ दिया, परमार्थ में तो शरीर नहीं छोड़ा, तो उनका पाप बन जाता है, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना पड़ता है। युद्ध भूमि में इतने ढेर के ढेर मरते हैं, वो सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करते, हाँ कायरों की तरह भाग खड़े होते हैं और भागते भागते मर गए, पीछे से गोली लगी तो भूतप्रेत बन जाएंगे। और क्या बोलो? अंतिम क्या बोला?
एक बार और रिपीट करिए, आगे वालों ने समझा ही नहीं। हाँ जी, वो जब अंतिम विनाश होगा, हाँ, या उसके बाद वो रहेगा या वो भी समाप्त हो जाएगा? जो संगम युग में स्वर्ग स्थापन होगा, वो संगम युग में शूटिंग होगी या प्रैक्टिकल होगा, फाइनल होगा? है, वो प्रैक्टिकल होगा या फाइनल होगा, या शूटिंग काल का स्वर्ग होगा या फाइनल होगा? 5000 वर्ष का ड्रामा है, शूटिंग पीरियड होगा। शूटिंग पीरियड में जो टॉप मोस्ट का स्वर्ग तैयार होगा, उस स्वर्ग को सारी दुनिया जानेगी या सिर्फ देवता धर्म की आत्माएं जानेंगी? सारे ही धर्मों की आत्माएं जानेंगी, उनका हर धर्म में गायन होगा। भगवान का रचा हुआ स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत, हर धर्म की आत्मा चमत्कृत हो जाएगी। ये कम बात है क्या? थोड़े समय का होगा, 150 साल का नहीं होगा, लेकिन मनुष्यों के ऊपर जो छाप पड़ेगी वो अल्पकाल की छाप पड़ेगी या लंबे समय की छाप पड़ जाएगी? है, लंबे समय की छाप पड़ जाएगी। भक्ति मार्ग में जाकर के वो छाप प्रत्यक्ष होना शुरू होगी। मुसलमान लोग उसको कहेंगे जन्नत, याद करेंगे 2500 साल। अंग्रेज लोग उसे याद करेंगे पैराडाइज, 2500 साल याद करते रहेंगे। हिंदू लोग उसे बैकुंठ के रूप में, स्वर्ग के रूप में 2500 साल याद करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात हो गई है। संगम युग छोटा सा युग, लेकिन मन बुद्धियों के ऊपर जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है। बाकी एक्यूरेट ड्रामा तो पहले पत्ते से ही शुरू होगा। पहला पत्ता कौन है? श्री कृष्ण। और यमुना के किनारे बन जाएगा। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा महत्व होगा माउंट आबू के भी ज्यादा इसका महत्व होगा, यमुना के किनारे। आपको मुक्ति का ज्यादा महत्व है या जीवन मुक्ति का ज्यादा महत्व है? तो जीवन मुक्ति का महत्व है। यमुना के कंठे से ही ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में फाउंडेशन पड़ा था, और यमुना के कंठे पर ही प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन होगा। और विष्णु में विष्णु में शांति, हाँ, विश्व में शांति नहीं होगी जब सारी दुनिया की बुद्धि में एक बाप का परिचय बैठ जाएगा, तो आत्मा अशांति ही बनी रहेगी या शांति की स्टेज को पकड़ेगी? अभी अशांति क्यों होती है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्योंकि बाप के ऊपर पक्का निश्चय किसी को नहीं बैठता, तो अशांति हो रही है। पक्का निश्चय बैठ जाएगा तो शांति ही शांति होगी। हैं? हैं? ये अपना अपना अलग अलग है। 84 जन्मों में जिस आत्मा ने जितना शांति के सुख के संस्कारों का अर्जन किया है, उतना वो अनुभव करेगी। लंबे समय का कोई अनुभव करेगा और कोई अल्पकाल का अनुभव करेगा। अभी शूटिंग हो रही है, बाबा बता रहे हैं कि लंबे समय का जो अनुभव है वो अंत समय में याद आएगा। तो सबका एक जैसा प्रारब्ध बनेगा सुख शांति का, या अलग अलग बनेगा? अलग अलग बनेगा। हाँ जी।
इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम होता है। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा दोनों को इकट्ठा करें तो बीच में तीसरी धार बनेगी कि नहीं बनेगी, रेखा दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे ही वो तीसरी प्रकार की रेखा है जो दिखाई पड़ती है, होती नहीं है। आदि में और अंत में सिर्फ प्रत्यक्षता होती है। हाँ, कोई ने प्रश्न किया है, कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, दूसरे जानवरों का क्या दोष, वे कभी मनुष्य नहीं बनते। तो उनके साथ तो भगवान ने अन्याय किया ना। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? वो बेचारे जन्म जन्मांतर जानवर ही बनते रहेंगे है? प्रश्न पूछने वाला एक बात का जवाब दे। नाली के कीड़े होते हैं, नाली के कीड़े इतने कुलबुलाते हैं आपस में कि एक दूसरे को काटते ही रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। समंदर की मछलियां एक दूसरे को हड़प करके खाती ही रहती है, करती है ना। नाली के कीड़े को निकाल करके साफ सुथरी जगह में धूप में रख दिया जाए तो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? उसे नाली में ज्यादा सुख था, अनुभव हो रहा था, या साफ सुथरी जगह में ज्यादा अनुभव हो रहा है? हैं? नाली में ही उसको ज्यादा सुख का अनुभव हो रहा है। इन विधर्मी आत्माओं से कहो जो कभी स्वर्ग में नहीं जाती, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्मांतर वो पाप योनियों में ही कलयुग में ही आकर के जन्म लेते हैं, उनसे कहो कि स्वर्ग में 21 जन्म सुख भोगो, वहां काम इंद्रिय का सुख नहीं मिलेगा। तो वो स्वीकार कर लेंगे? क्यों? उन्होंने बेचारों ने क्या दोष किया है जो उनकी ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई? ऐसे ही है, बुद्धि में बात नहीं बैठी है कि जो जिस जाति का बीज है वो उसी जाति में जाकर जन्म लेता है, उसका परिवर्तन नहीं होता। आम का बीज बदल करके बबूल का नहीं बन सकता कि बबूल की तरह कांटा पैदा कर दे, दुख दूसरों को दुखदाई हो जाए, नहीं। जो सुखदाई किस्म की आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर देवता किस्म की आत्माएं हैं। कोई ये कहे कि ये देवता ये क्यों बने? दूसरे राक्षस जन्म जन्मांतर राक्षस ही बनते रहते हैं। वो राक्षस अगर राक्षस नहीं बनेंगे तो उन्हें सुख ही नहीं आएगा जिंदगी का, उनकी राक्षसी वृत्ति ही उनको सुख देती है। ये स्वभाव संस्कार अनंत काल के हैं, आत्माओं में रिकॉर्ड भरा हुआ है, इसे ये प्रश्न नहीं किया जा सकता कि जानवर हमेशा जानवर ही क्यों बनते हैं, भगवान ने उनके साथ अन्याय कर दिया। भगवान उनको जानवर बनाता है कि जन्म जन्मांतर की उनके स्वभाव संस्कार ही ऐसे हैं, वो जानवर ही बनते हैं। है? गुरु प्रमाण किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है या मनुष्य गुरुओं ने बनाया है जिन्होंने सारी दुनिया को नीचे गिराया है? तो आप उनको क्यों पकड़ते हैं? उनके बनाए हुए गुरु पुराण को क्यों पकड़ रहे हैं?
मुरली में तो बोला इन शास्त्रों को भूल जाओ, उनको याद करते रहेंगे तो उनकी बातों की चक्करी में आ जाएंगे। एक से सुनना है, उनकी बातों को सुनना ही नहीं है। और है हिरण्य कश्यप, हाँ है? इसका क्या मतलब है? हाँ, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में, सिंह की तरह ज्ञान की दहाड़ जा मारने वाला जानवर बनकर के आया उसके लिए। क्या आज दुनिया कांटों का जंगल है, हिरण्यकश्यपों की दुनिया है, इसका राज्य है? अपने को भगवान कहने वालों का राज्य है, जो अपने को शिवोहम मान करके बैठे हुए हैं, उनका राज्य है? ऐसे हिरण्यकश्यपों के राज्य में भगवान उनको उनके पाप की सजा देने के लिए संसार रूपी कांटों के जंगल में शेर बनकर के दहाड़ता है। कौन सी दहाड़ मारता है? ज्ञान की दहाड़ मारता है। और उस ज्ञान की दहाड़ का वो जवाब नहीं दे पाते, उनके बुद्धि रूपी पेट को फाड़ देता है। न दिन में फाड़ता है, सत्युग त्रेता है दिन, न रात में फाड़ता है, द्वापर कलयुग है रात, कब फाड़ता है? न दिन है न रात है। और त्रेता में चार गद्दियां बढ़ जाती हैं, सत्युग में आठ गद्दियां होती हैं, एक संगमयुग की गद्दी कहें तो नौ गद्दियां हो जाती हैं, क्योंकि संगमयुग में भी बेहद का स्वर्ग होता है मनसा के आधार पर। तो त्रेता में जो अंतिम चार गद्दियां हैं, तीन गद्दियां सत्युग के मुकाबले तीन ज्यादा, वो तीन गद्दियां स्वर्ग के सुखों को नष्ट करने वाली हैं, या यथावत बनाए रखने वाली है, नष्ट करने वाली है? यथा राजा तथा प्रजा, उन गद्दियों को बनाने का जो श्रेय लेता है वो ऐसा ही अधूरा राजा बनता है जो स्वर्ग नष्ट हो जाता है। ये स्वर्ग को नष्ट करने का काम उन तीन धर्म के तीन बीज रूप आत्माओं ने किया है। वो कौन सी तीन बीज रूप आत्माएं हैं? जो ब्रह्मा के बड़े चार पुत्र माने जाते हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार ज्ञान में बहुत बड़े थे, जिनके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, ज्ञान की गहराइयों को जानने वाले थे। बाकी जो तीन थे वो ज्ञान की गहराइयों को उतना जानने वाले नहीं थे। नीम हकीम खतरे जान, शुरुआत में ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं और बाद में विरोधी हो जाते हैं। तो सारा ब्राह्मण जीवन अगर विरोधी बनकर के रहेंगे तो स्वर्ग के बनाने के कार्य में विरोधी करने वाला विरोधी रहे या अवरोधी रहे? विरोधी रहे।
तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ संगम की ब्राह्मणों की दुनिया में भी उन्होंने भगवान के बने बनाए घर को नष्ट करने का काम किया, गिराने का काम किया, गिरजा घर बनाने का काम किया। तो भक्ति मार्ग में उनकी यादगार क्या बन जाती है? गिरजा घर बन जाती। तो ये स्वर्ग को नष्ट करने वाली तीन आत्माएं हैं, जो तीन विधर्मी धर्मों के बीज हैं, बौद्ध, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। इसलिए ये तीन कटे हुए सीढ़ियां दिखाई जाती हैं। ये स्वर्ग को नष्ट करने के निमित्त बनते हैं, इसलिए कटा हुआ स्वर्ग उनके पल्ले पड़ता है राजाई लेने के लिए। कोई बच्चे हैं, परिवार का नाम, मान, मर्तबा, परिवार की सत्ता को संसार के सामने उजागर करने वाले बनते हैं, और कोई बच्चे ऐसे परिवार में पैदा हुए होते हैं कि सारे परिवार का नाम डुबोने वाले बनते हैं, स्वर्ग की बादशाह ही नष्ट करने वाले बन गए। इसलिए बताया कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। सतयुग त्रेता में भी जो उन्हें ठौर मिलना चाहिए ऊंची गद्दी का, वो ठौर नहीं मिलता। और द्वापर कलयुग में भी देवी देवता सनातन धर्म में ऊंच दृष्टि से नहीं देखे जाते, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे धर्मों के सहयोगी बन जाते हैं, दूसरे धर्मों की खुट्टे बर्दारी करने लग पड़ते हैं और भारतवासियों को धोखा दे देते हैं। और राहुल के एक लड़के का नाम था अक्षय कुमार। हाँ जी, लेकिन वो हनुमान के एक मुख्य भी मर गया। नाम होता है छह, छह माने नष्ट होना, और अक्षय, अक्षय माने जो नष्ट न हो। तो नष्ट न होने वाला के कुमार, कैसा कुमार, किसका कुमार? जो नष्ट होने वाला नहीं है उसका कुमार। रावण जो है बल मृत्यु को पा जाता है तो भी भगवान से मुक्ति प्राप्त करता है या नहीं करता है? पूरा नष्ट हो जाता है क्या? नहीं, वो भगवान के हाथों से मृत्यु को पाता है, इसलिए उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती। और अक्षय कुमार किससे मृत्यु को पाता है? भगवान के दास से मृत्यु पाता है, इसलिए वो अक्षय का बेटा, अक्षय का कुमार कहा गया। और है राखियां बारह होती हैं, पहले ग्रह नौ माने जाते थे, नौ माने जाते थे ना, नौ ग्रह में अभी अखबारों में निकला एक ग्रह और है तो कितने हो गए? दस हो गए। जब नौ से दस हो सकते हैं तो नौ से बारह नहीं हो सकते है? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, होंगे। दो धर्म ऐसे हैं, दो नहीं तीन, जो भगवान को जैसे मानते ही नहीं, नास्तिक हैं, इसलिए उनका नाम निशान उड़ा हुआ है ड्रामा प्लेन अनुसार। अंत में थोड़े समय के लिए संसार के सामने उजागर हो जाएंगे। शूटिंग कहाँ होती है? इसी संगम के ऊपर शूटिंग होती है। अंत समय में उनकी आंख खुलती है कुंभकर्णों की, तो थोड़ी सी सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा के कार्य में सहयोगी बनते हैं।
तो अंत समय में थोड़ा सा कोट पतलून मान मर्तबा उनको मिल जाता है। हाँ तो माउंट आबू में अटलगढ़ नाम पड़ा है, उसी स्थिति का नाम पड़ा है अटलगढ़। गढ़ माने किला, किला माने संगठन, माला माने क्या संगठन। तो कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनका संगठन रूपी किला तैयार हुआ है लेकिन वो अचल रहने वाली आत्माएं हैं। उनको माया ने प्रकृति ने कितना भी हिलाया है तो भी हिलने वाली नहीं है, इसलिए उस स्थान का नाम अचलगढ़ है। वहां यादगार तैयार होती है, कौन सी सनसेट पॉइंट की यादगार तैयार नहीं होती, सनराइज पॉइंट की यादगार तैयार होती है। उगते हुए सूर्य को उन अचलगढ़ वालों ने पहले पहचाना है, देखा है, दुनिया वालों ने नहीं देखा है। वो है स्थूल और ये है चैतन्य अचलगढ़। अटल रहेंगे, अचल रहेंगे, माया के हिलाने से हिलेंगे नहीं। और अभी प्रैक्टिकल में भी देखा जा रहा है, जो फाउंडेशन पड़ रहा है दिलवाड़ा मंदिर की चैतन्य मूर्तियों का, वो मूर्तियां वहां सेवा भी कर रही होंगी, कर रही होंगी नहीं, सेवा करेंगी। तो जो सेवा करेंगी, सेवा की प्रत्यक्षता भी होगी या नहीं होगी। तो अचलगढ़ में सबसे पहली गीता पाठशाला तैयार हुई, 30-35 आत्माएं वहां तैयार होके निकल पड़ी, जो आज तक ब्रह्मा कुमार कुमारी आसपास के गांव में या माउंट आबू के शहर में कोई भी मनुष्य आत्मा को नहीं निकाल सके। दीपक तले अंधेरा ही अंधेरा रहा और सूर्य उदय होना शुरू होता है तो कहावत है कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी, क्या सर के ऊपर चढ़ करके बोलने का मतलब क्या हुआ? अरे इधर उधर प्रत्यक्षता होना, मिनी मधुबन खुलते रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ खुले जाकर? माउंट आबू में जाकर खुले। तो कहेंगे सर के ऊपर चढ़ करके प्रत्यक्षता हो रही है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोल रही है। कहाँ तक दबाओगे? माया दबा रही है ना भगवान के पार्ट को। माया खलास हो जाएगी लेकिन भगवान खलास नहीं होगा, भगवान का कार्य पूरा ही संपन्न होगा। और किन बच्चों के सहयोग से होगा? जो आज से अंत तक अचल रहने वाले। आदि माने कब से? जब से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होना शुरू होता है, इसलिए वहां यादगार बनी, बन रही है, तैयार हो रही है। और दिलवाड़ा का मतलब बाबा क्या हुआ? दिलवाले, हाँ। एक आदमी है अचलगढ़ में फेमस मंदिर है, उसमें उनकी पूजा की होती है, पांव के अंदर भी पूजा होती है। पांव में पांच उंगलियां हैं, हैं? वो पांच उंगलियां पांच पांडवों की सूचक हैं। पांच पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाए जाते हैं, छत इतने ऊंचे। इसका मतलब ये नहीं इतने ऊंचाई वाले थे शरीर, उनकी बुद्धि विशाल थी। विशाल बुद्धि से उन्होंने मनन चिंतन मंथन करके भगवान बाप और उसके बच्चों के पार्ट को पहचाना था। भगवान बाप को पहचानने वालों में
और अपने पार्ट को पहचानने वालों में जो उंगली सबसे मजबूत दिखाई गई है, मोटी दिखाई गई है, वो है युधिष्ठिर। ऐसा युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये पांव का अंगूठा ही होता है कि अगर चाहे आदमी प्रैक्टिस करे तो सारे शरीर का वजन एक अंगूठे के ऊपर ही उठा सकता है। बाकी चार उंगलियों में से कोई उंगली इतनी ताकतवर नहीं है जिस उंगली के ऊपर सारे शरीर का वजन उठाया जा सके। है, उसका नाम ही रखा है अंग उठा। ये भगवान का विराट रूप है, उसका ऐसा अंग है जो सदैव उठा हुआ है। ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। एक बार जो नारद थे, नारद जी ने एक तालाब में सरस्वती, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती को जो है एक तालाब में नहाते हुए देखा। वो निवृत्त होकर आ रही थी, निवृत्त होकर आ रही थी। हाँ? तब जो है नारद जी ने उनको सती अनुप्रिया का प्रमाण देते हुए कहा कि कुमार से अच्छी तो ये सती अनुप्रिया है जो उसी पवित्रता का गायन है। तो उनकी बेइज्जती करने के लिए तीनों रानियों ने जो है तीनों अपने पतियों को भेजा, माना कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भेजा सती अनुप्रिया पर उनकी पवित्रता को भंग करने के लिए। हम बोलो। हाँ, सब जो है सती अनुप्रिया ने उनको बच्चा बना दिया। हाँ? बच्चा बना दिया। हाँ? बच्चा बना के उनको जो है स्तन पान करवाया। हाँ? और उनकी शर्ती पूरी हो गई। हाँ? और जो है उन्होंने भोजन भी कर लिया। हाँ? स्तन पान कराना माने दूध पिलाया, दूध पिलाना माने ज्ञान का दूध पिलाया। तो ज्ञान का दूध पिलाने वाली ऐसी माता चाहिए जो तीनों देवताओं को ज्ञान का दूध पिलाने के निमित्त बने। वो माता होगी, दादी होगी या परदादी होगी, क्या होगी? तो कोई परदादी बताइए कि नहीं, ज्ञान में एडवांस में कोई परदादी है या नहीं है? नहीं है, है। हाँ जी, तो वो अभी भी है। वो प्योरिटी में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर से भी त्रास करने वाली स्टेज में होगी। लक्ष्मी का पद प्योरिटी में सबसे ऊंचा गिना जाता है, लेकिन लक्ष्मी जो आती है वो आधार मूर्त चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? तो नीचे कुल से आती है। पैदाइश नीचे से होती है या ऊंचे से होती है? ऊंचे से नहीं होती, फिर भी चंद्रवंश से होती है। तो चंद्रवंश ऊंचा या सूर्यवंश ऊंचा? तो सूर्यवंश जो है उसमें भी कोई एक ऐसा माता होना चाहिए जो चंद्रवंशियों को भी मात करने वाला हो। प्योरिटी में सूर्यवंशियों में कितने हैं मुख्य? आठ मुख्य जो अष्टदेव कहे जाते हैं। अष्टदेवों में एक जो सर्वोपरि है उसको तो छोड़ दो, तो बाप ही हो गया। फिर बाप का विशेष सहयोगी कोई होगा या नहीं होगा? जो ब्राह्मणों की दुनिया में पालना का कार्य विशेष करे, नहीं तो इतनी बड़ी ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया बिना माता के उसकी पालना हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी पालना तो हो रही है ना।
इसलिए आदिश्वर को, आदिनाथ को, आदिदेव को दिखाया जाता है कहां का वासी? काशी वासी। काशी कहते हैं याद का तेज, ऐसा तेज जिससे सब प्रकार की प्योरिटी आ जाती है। 108 विजयमाला के जो मणके हैं उनमें सर्वोपरि मण का पावरफुल कौन सा है? कौन है सर्वोपरि? वो मण का कौन है? है योगी? नहीं, कैसे कहा? सर्वोपरि कैसे? पहले काशी राज होगा या काशी नगरी होगी? है पहले कौन होगा? काशी राज होगा तो रचयिता कौन हुआ? है रचयिता तो पुरुष हुआ ना। काशी शब्द जो है वो स्त्री चोले का सूचक है या पुरुष चोले का? है स्त्री चोले का। लेकिन रुद्रमाला में ये जो दोनों मण के सर्वोपरि हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा किस में होगी? दुर्योधन दुशासन पुरुष में होगी या स्त्री चोले में होगी? स्त्री चोले में होगी। और इतनी पावर होती है योग बल के आधार पर कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी उनका बच्चा बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा बनने का मतलब है उन बच्चों की भी पालना की जिम्मेदारी तो कौन बनती है? है वो परदादी बनती है। लिख रहा है समुद्र पर राम सेतु बनाया कि तो क्या वो सच में बंदरों ने बनाया था? अभी अभी तो बंदरों का क्लेरिफिकेशन बताई दिया। बंदर माने क्या? बंदर माने जो सभी जानवरों में सबसे जास्ती भिखारी होते हैं। सभी जानवरों के बीच सबसे जास्ती शक्तिशाली होता है शेर, लेकिन सबसे जास्ती भिखारी नहीं होता, लेकिन बंदर सबसे जास्ती भिखारी होते और एक प्रकार के नहीं होते। बंदर भांति भांति के होते हैं, भांति भांति की उनकी जातियां हैं। तो ये रुद्रमाला के मणके सब क्या हो गए? है बंदर हो गए। और बंदरों में कोई दो मुख्य बंदर हैं जिन्होंने राम सेतु बनाया, नल और नील। सबने नहीं बनाया क्या? उसके निमित्त सिर्फ दो बंदर बने जिनके हाथों से वो पत्थर तैराए गए विषय सागर में, संसार सागर में, और वो सेतु बनाया गया। सेतु माने पुल। कहां से कहां तक बनाया गया? भारत से लेकर रावण की नगरी तक बनाया गया। राम का जो संगठन था उस संगठन से लेकर के रावण का संगठन, रावण की नगरी जहां तक थी वहां तक वो सेतु बनाया गया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस ज्ञान के ज्ञान रतन रूपी पत्थर है वो रावण की नगरी लंका तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? है? पहुंच रहे हैं। के मूल निमित्त कौन है? दो आत्माएं, राम और कृष्ण वाली आत्माएं उन ज्ञान के पत्थरों को
जो पत्थर बुतली है उन पत्थरों को पैर आने के निमित्त बन रही है।